हेलो दोस्तों, मैं तपन कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग तपन को। दोस्तों, यहाँ पे रेलवे के तरफ से और एक रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है जहाँ पे 707 वैकेंसी है। पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे रेलवे का पल पल अपडेट आपके पास मिल सके। तो अभी SSC का भी वैकेंसी निकलने वाला है, आपको सारे डिटेल्स में प्रोवाइड करते रहूँगा और कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। दोस्तों, अभी आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी एक लर्निंग ऐप होता है, वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए मुझे, तपन घड़ई सर्च कीजिए और जहाँ पे मैं आपको रेलवे SSC के रिलेटेड आपको तैयारी का वीडियो बनाता हूँ, आप मुझे वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। जहाँ पे आपकी जो भी इशू है मैं मैसेज के जरिए मैं आपको कमेंट में आपको बता सकता हूँ। तो आप मुझे जाके अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों, जो वैकेंसी निकल के आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री रेलवे के तरफ से। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हो इंटीग्रल, जहाँ पे रेलवे का डब्बा बनता है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से बनता है। तो इसका जो देख लेते हैं क्या क्या ये ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है। दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी निकला है वो अप्रेंटिस वैकेंसी निकला है। यहाँ पे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री रिक्रूटमेंट फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग। अप्रेंटिस ट्रेनिंग क्या होता है दोस्तों, एक साल का एक ITI, अगर आपके पास 10th और ITI है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हो इसको। अप्रेंटिस का डिमांड अभी बहुत है दोस्तों। रेलवे इस बार 20% रिजर्वेशन रखा है ओनली फॉर रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट के लिए। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, इस अप्रेंटिस जरूर कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इस बार अगर ना मिले तो अगले जब भी वैकेंसी आएगा ना, आप लोगों के लिए रिजर्वेशन कोटे में जाओगी। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन रहेगा और अप्रेंटिस कैंडिडेट के लिए और स्पेशल रिजर्वेशन रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, नेम ऑफ पोस्ट ITI अप्रेंटिस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका पास अगर 10th और ITI है तो अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसी है 707 वैकेंसी है। जॉब लोकेशन है चेन्नई। ये जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो चेन्नई में ही है। आपको अगर जॉइनिंग हो रहा है तो आपको चेन्नई है, ये है उसका ऑफिशियली PDF है, आपको मैं भी दिखाऊंगा उसके बाद। एज लिमिट जो है दोस्तों, यहाँ पे गलती से हो गया है, यहाँ पे 15 से 24 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो एज लिमिट। और सिलेक्शन जो है नो रिटेन टेस्ट बिल्कुल नहीं है। आपके अप्लाई करोगी और आपकी मेरिट बेस में आपकी ये सिलेक्शन रहेगा, आपकी जो ITI और 10th क्वालिफिकेशन है उसका मेरिट बेस में ये सिलेक्शन रहेगा। 2 जुलाई से शुरू हो गया है, लास्ट डेट इसका रखा गया है 8 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक मैंने दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियली PDF भी इसका देख सकते हो दोस्तों, ये जो रहा ऑफिशियली PDF, मैं सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके अप्लाई कर सकते हो। उसका नीचे देख सकते हो दोस्तों, कैसा एज लिमिट जो रखा गया है 15 से 24 ईयर तक आप रखा गया है। और यहाँ पे मार्क परसेंटेज जो है वो लिखा गया है, आपकी ड्यूरेशन ऑफ पीरियड यहाँ पे भी लिखा गया है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। उसके बाद स्टाइपेंड के बात करें तो स्टाइपेंड आपकी हर मतलब ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट ईयर 5,700 मिलेगा, सेकेंड ईयर सबका फर्स्ट ईयर होता है, एक साल का ही होता है ITI फिटर कैंडिडेट। कोई कोई चीज़ है जैसे कि यहाँ पे कारपेंटर और पेंटर जो है वो 2 साल का है, वेल्डर है 1 ईयर 3 मंथ का है, तो इसका ड्यूरेशन रहता है। आप अगर 1 साल के लिए अप्रेंटिस कर रहे हो तो आपको 5,700 स्टाइपेंड मिलेगा, सेकेंड ईयर में 6,500 मिलेगा, थर्ड ईयर में 7,300 मिलेगा। तो उसी हिसाब में आपको मतलब अप्लाई करने के लिए आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंने लिंक दिया हूँ, आप अप्लाई कीजिए उससे। यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देख सकते हो ICF indianrailway.gov.in, तो इसको जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, तो लास्ट डेट दोस्तों देख सकते हो 8 जुलाई, ये सारे मैंने बता चुका हूँ। आप ऑफिशियली PDF को डाउनलोड कीजिए, आराम से पढ़िए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। दोस्तों, ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।